Religion Outlook. सतनाम श्री वाहे गुरु जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 495वें अंग दी गुरबाणी दी व्याख्या दा बाकी दा हिस्सा लैके हाजिर हाँ जी। आओ शुरुआत करिए। गुजरी महला पंजमा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खट करमा इतराते संसारी अंतर मैल न उतरै हों मैं बिन गुर बाजी हारी। हे भाई दुनियादार मनुख कर्म कांड करदे हन। किरियाचार यानी के कर्म कांड। किरियाचार करै खट करमा छे तरह के धार्मिक कार्ज करते ने। किड़े हन छे धार्मिक कार्ज? तीर्थ इशनान, संध्या, जप, होम, अतिथि पूजा, देव पूजा। सो दुनियादार मनुख कर्म कांड करते ने। यह छे तरह के मिथे हुए धार्मिक कार्ज करते ने। इन कामों के विच ही परचे रहते हैं, पर जो करन वाला काम है वह कर नहीं पाते। इन्हां कार्जां दे नाल अंतर मैल ना उतरै होमै, उन्हां दे अंदरों होमै दी मैल नहीं उतरदी। बिन गुरबाजी हारी, गुरु दी शरण पैण तो बिना मनुखा जन्म दी बाजी उह हार जांदे ने। जद तक अंदरों तुहाडी लिव परमात्मा दे नाल जुड़ी नहीं हुई, जद तक तुहाडे अंदरों होमै खत्म नहीं हुई, उदों तक धार्मिक कार्ज जिहड़े ने उह दिखावे मात्र ही रह जांदे ने। उन्हां दा तुहानूं लाभ कोई नहीं हुंदा। वो कार्ज किसी भी प्रकार दीयां चिंतावां खत्म करन दे विच, तुहाडे जीवन नूं आनंदमई बनाउण दे विच कोई भी रोल अदा नहीं कर पाउंदे। सो बेहतर है कि असी धार्मिक कर्म कांडां जां मिथे हुए धार्मिक कार्जां दे पिछे भज्जण की बजाए गुरु दे लड़ लगीए, गुरु दीयां सिक्ख्यावां नूं समझिए ते अपने जीवन दे विच उन्हां सिक्ख्यावां नूं उतारीए। परमात्मा साढ़े ते कृपा करे कि असी अजिहा कर पाईए, क्योंकि उहदी कृपा तो बिना, उहदी बख्शिश तो बिना असी नहीं कर सकते। जब तक साढ़े लिए उस परमात्मा ने मिथ्या है कि असी धार्मिक कर्म कांडां च फसे रहीए, असी फसे रहांगे। जिस दिन परमात्मा ने साढ़े लिए यह निर्धारित कर लिया कि इस मनुख नूं इन्हां कर्म कांडां दे विचों कढ के असल दे विच गुरु दे लड़ लाउणा है, तो उन्हें सानूं ला देना, कोई ना कोई साधन साढ़े लिए पैदा कर देना जिदे राही कि असी गुरु दे लड़ लग पावांगे। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी, कोट मदे को बिरला सेवक होर सगले ब्योहारी। रहाओ हे मेरे मालक प्रभु, कृपा करके मैनू दुरमत तो बचाई रख। मैं वेखता हाँ कि करोड़ां मनुखां विच्चों कोई विरला मनुख तेरा सच्चा भगत है। दुरमत दे कारण होर सारे मतलब ही हन, अपने मतलब की खातर धार्मिक कर्म कांड करते हैं। इत्थे सिर्फ उन्हां लोकां दी गल नहीं हो रही जो बाबे बने बैठे ने, साध बने बैठे ने, संत बने बैठे ने, ते असल दे विच उन्हां दा मकसद लोकां नूं माया तो दूर करन दीयां सिक्ख्यावां देण दा, या इस सिक्ख्यावां दे के पैसे कमाउण दा है। उन्हां लोकां दी गल नहीं, सिर्फ उन्हां दी भी है जो धार्मिक कार्ज करदे ने ते बाद दे विच उस कार्ज दे बदले परमात्मा तो कुछ ना कुछ मंग लैंदे ने कि हे परमात्मा मैनूं पुत्र की दात चाहीदी आ, मैं सहज पाठ करवाउण लग्गिया, मैं अखंड पाठ करवाउण लग्गिया, मैं कोई पूजा कराउण लग्गिया, कि हे परमात्मा तू मैनूं 10 गुणा देई, मैं इन्ना धन दान करन लग्गिया, कि हे परमात्मा मेरा आ कम बना दी, मैं तेरे तीर्थ इशनान ते जाऊँगा जां इन्ने लोकां नूं होर नाल लैके जाऊँगा। ये सब की है? व्यवहार है। करोड़ां दे विच्चों कोई विरला ही असल उस परमात्मा दा भगत हुंदा है, बाकी सारे ते किसे ना किसे मतलब की खातर ही परमात्मा नूं याद करते ने, किसे मतलब की खातर ही धार्मिक कार्ज करते ने। शास्त वेद सिमृत सब सोदे, सब एका बात पुकारी,
बिन गुर मुक्त न को पावै मन वेखो कर बिचारी। एक दिन पहला भी आप गल की सी कि भगवत गीता दे विच भी ये जो कर्मकांड हैं जो धार्मिक कार्य हैं उन्हां बारे यही कहा कि इन्हां दा नुकसान कोई नहीं पर जे तुसी परमात्मा दे नाल लिव जोड़नी है तो ये कार्य करने जरूरी नहीं। इंग्लिश दे विच वर्ड हुंदा मैंडेटरी जिहदा मतलब हुंदा कि ये तुहानूं करना ही पएगा इहदे तो बिना होर कोई चारा नहीं है। जिन्नी कु मेरी समझ है पंजाबी दे विच अपने शब्द जरूरी ही है असी अत्यंत जरूरी कह सकते हैं कि बहुत ही जरूरी है पर उस जरूरी दे विच मेरा ख्याल है कि ये गल अपने आप ही आ जाती है कि इहदे तो बिना चारा नहीं। जे कोई होर शब्द मैंडेटरी का पंजाबी तर्जमा होवे ते कमेंट सैक्शन दे विच साडी कमेंट सैक्शन दे विच टाइप करके साडी समझ दे विच जरूर वादा करियो। पर गल ये कि ये जो धार्मिक कार्य हैं इन्हां नूं करना जरूरी नहीं इन्हां तों बिना भी तुसीं परमात्मा दे नाल लिव जोड़ सकते। गुरु साहब कहिंदे असी सारे शास्त्र सारे वेद समृतियां पड़ताल करके वेख ले इन्हां दे विच भी इको ही गल लिखी है यही गल ये सारे पुकार पुकार के कह रहे ने बिन गुर मुक्त न को पावै। गुरु की शरण आउण तो बिना कोई मनुख माया दे मोह आदक तो खलासी नहीं पा सकता। तो कहिंदे तुसीं भावें अपने मन च ये गल विचार करके वेख लो ये गल सच ही लगेगी यही गल ठीक है। अठ सठ मजन कर इशनाना परम आए तर सारी अनक सोच करै दिन राती बिन सतगुर अंधियारी। हे भाई लोग 68 तीर्थां दे इशनान करके सारी धरती ते भौं के आ जांदे ने दिन रात होर भी अनेकां शरीरक पवित्रता दे साधन करदे ने पर गुरु तो बिना उहनां दे अंदर माया दे मोह दा हनेरा टिकिया ही रहिंदा है। तावत तावत सब जग तायो अब आए हर द्वारी दुरमत मेट बुद्ध प्रगासी जन नानक गुरमुख तारी। हे नानक ये आखो भौं भौं के सारे जगत विच भौं के जिहड़े मनुख आखर परमात्मा दे दर ते आ डिगदे हन परमात्मा उहनां दे अंदरों दुरमत मिटा के उहनां दे मन विच सुचज्जी अकल का प्रकाश कर देता है गुरु की शरण पा के उन्होंने संसार समुद्र तो पार लंघा देता है। उस जगत दे विच गुरु की शख्सियत का होना उस परमात्मा वालों तैयार किया होया एक साधन है। मनुख जिहड़ा चिक्कड़ दे विच फसया है उन्हों बाहर कढ़न दे लई गुरु की लोड़ है गुरु साधन है इसे करके ही परमात्मा ने गुरु बनाया है गुरु की पदवी इस जगत दे विच पैदा कीती है। गुजरी महला पंजवां हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया। हे मां परमात्मा दा नाम तन ही मेरे वास्ते देव पूजा लई खास मंत्रां दा जाप है हरी नाम धन ही मेरे वास्ते धूणिया का तपाणा है परमात्मा का नाम धन ही मेरे आत्मक जीवन लई खुराक है ते ए खुराक मैनु चंगी लगी है। हे मां अख चमकन जितने समय लई भी मैं अपने मन तो परमात्मा नू नहीं भुलांदा मैं ये धन साध संगत विच रह के लब्भा है। माई खाट आयो कर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ। हे मां किसे मां दा ओ पुत्तर खट के घर आया समझ कोई पुत्तर घरों बाहर गया ते वापस आया गुरु साहब कहिंदे कि हे मां उस पुत्तर नूं असीं ताही बाहरों कुछ खट के आया आख सकदे हां जे तुरदियां बैठियां जागदियां सुत्तियां हर वेले हरी नाम धन दा ही ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਧਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਧਨ ਗਿਆਨ ਹਰ ਸੰਗ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਹਰ ਧਨ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਧਨ ਬੇੜੀ ਹਰ ਹਰ ਤਾਰ ਪੁਰਾਨਾ। ਹੇ ਮਾਂ
ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਲਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ, ਹਰ ਧਨ ਲਾਇਆ ਧੋਖਾ, ਹਰ ਧਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਹੱਥ ਚਰਿਓ ਹਰ ਥੋਕਾ। ਹੇ ਮਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰੀ, ਹਰ ਧਨ ਲਾਹਿਆ ਧੋਖਾ, ਮੇਰਾ ਹਰੇਕ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਲਾਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਦੀਆ, ਏ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗੇ। ਏ ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਵੋ, ਇਹ ਧਨ ਕਦੇ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 495ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਗ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਫਿਕਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਦਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਲ, ਇਸ ਪਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।